साबरमती, मोहन से महात्मा बनते देखा, अब खुद को भी सवरते देखा। हेरिटेज सिटी अहमदाबाद में कला, संस्कृति और वाणिज्य के बीच को सींचा है इस नदी ने। अहिंसक सत्याग्रह के जरिए भारत की आजादी के बीच को सींचा है इस नदी ने और देश के सर्वप्रथम रिवर फ्रंट से आधुनिक भारत के निर्माण का बीज भी सींचा है इसी नदी ने। ये है साबरमती नदी, जिसकी शालीनता को कायम रखने का संकल्प किया है अहमदाबाद ने। ये हमारा नागरिक धर्म है कि हम पानी को बचाएं। अगर पानी बचेगा तो पानी पहुंचेगा। इसे साकार करने के लिए इस सदी के पहले दशक में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता से अहमदाबाद महानगर पालिका ने छेड़ा नदी में छोड़े जाने वाले प्रदूषित पानी, धोबी घाट और झुग्गी बस्ती को दूर कर साबरमती को स्वच्छ और सुंदर बनाने का अभियान। साबरमती रिवर कंजर्वेशन प्लान के अंतर्गत वासणा और पिराणा में नदी के दोनों तटों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी स्थापित किए, नए सीवेज पंपिंग स्टेशन एसपीएस का निर्माण, पुराने एसपीएस का रेनोवेशन, इंटरसेप्शन और डायवर्जन का कार्य किया, इलेक्ट्रिकल और सीएनजी श्मशान का निर्माण किया और फिर शुरू हुआ अहमदाबाद की अनूठी शान का प्रतीक आइकॉनिक साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, जिसके तहत झुग्गियों की पुनर्स्थापना की, दोनों तटों पर रिटेनिंग वॉल का निर्माण कर 11 किलोमीटर से भी लंबे वॉकवे का निर्माण किया, नदी तट के समानांतर करीब 202 हेक्टेयर जमीन को रिक्लेम कर बगीचों, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और नागरिक सुविधाओं का निर्माण किया, नर्मदा नदी के अतिरिक्त पानी को केनाल के जरिए साबरमती में प्रवाहित कर सुनिश्चित किया कि रिवर फ्रंट पूरे साल छलकता रहे। वर्ष 2014 में नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के तहत शुरू हुए साबरमती शुद्धिकरण के दूसरे दौर में सुनिश्चित किया गया कि नदी में सिर्फ उपचारित शुद्ध जल ही प्रवाहित हो, नदी में अपशिष्ट डालने वाले सभी अवैध नाले बंद किए, 14 आउटलेट के जरिए साबरमती में मिलने वाले 180 MLD सीवेज के पानी को रोका, बड़े पैमाने पर एसटीपी के निर्माण का काम शुरू, वासणा में 48 MLD, चंद्रभागा में ट्रिब्यूटरी पर 60 MLD, शाहपुर में 25 MLD क्षमता के नए एसटीपी का निर्माण, एसटीपी के ट्रीटेड एफ्लुएंट की गुणवत्ता की लेबोरेटरी में जांच तथा एएमसी की सेंट्रल लेबोरेटरी द्वारा उसकी मॉनिटरिंग, मेघाणी नगर, चिलोड़ा, हाथीजड़, निकोल और रानीप में एसपीएस का निर्माण, नई ड्रेनेज लाइन, रिलीफ सुअर लाइन और पुरानी लाइनों में रिहैबिलिटेशन का कार्य जारी, पिराणा में 155 MLD क्षमता का एसटीपी जल्द होगा तैयार, डफनाला में 25 तथा कोतरपुर और कोटेश्वर में 60 MLD क्षमता का एसटीपी स्थापित करने की योजना, एएमसी अब 323 MLD ट्रीटेड पानी फतेहवाड़ी केनाल को सिंचाई के लिए उपलब्ध कराता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना के तहत साबरमती नदी शुद्धिकरण योजना के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। जल को भी जन का अभियान बनाने का समय आया है। हम सब मिलकर के यदि काम करेंगे तो जो प्रदूषण हमारे सतह के पानी में और भूगर्भ के जल में हुआ, इन दोनों से हम ऊपर उभर सकते हैं। साबरमती की स्वच्छता बनी जन अभियान, मूर्ति हो या ताजिया, अहमदाबादी इसका विसर्जन नदी में नहीं बल्कि विशेष रूप से तैयार कुंड में करते हैं। जून 2019 में एएमसी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ साबरमती महाअभियान में 60,000 लोगों ने श्रम दान कर नदी तट से 500 टन से अधिक कूड़ा हटाकर जनशक्ति की मिसाल पेश की। इन सामूहिक प्रयासों के चलते दो दशक पूर्व जो नदी ड्रेनेज के गंदे नाले जैसी थी, वो अब निर्मल सरिता में रूपांतरित हो गई है और स्वच्छ साबरमती के किनारे आधुनिक विकास के कुलांचे भर रहा है स्मार्ट सिटी अहमदाबाद। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इसी साबरमती के तट से स्वराज की नींव रखी गई थी और अब हर काम देश के नाम मंत्र के साथ इसी साबरमती के तट पर रखी जा रही है सुराज की बुनियाद।